गाइस आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं आप सबके चहेते आयरन मैन की कहानी कि कैसे एक बड़ी कंपनी का मालिक जो कि देश की भलाई के लिए काफी पावरफुल वेपन्स बनाने का काम करता था वो हुआ किडनैप और ऐसा क्यों हुआ, आखिर कौन थे उसके दुश्मन और आयरन मैन ने उनका कैसे सामना किया, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो गाइस जल्दी से इस एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। अरे तो गाइस आज के दिन मैंने एक चैलेंज किया है पेंगुइन को कि कौन सबसे ज्यादा मछली पकड़ता है। आपको तो पता ही है गाइस कि मैं ही सबसे ज्यादा मछली पकड़ूंगा। शिनचैन तू ऐसा बोली मत क्योंकि तूने अभी तक अच्छे से फिशिंग रॉड भी नहीं पकड़ी है तो मछली क्या पकड़ेगा। अरे पिंकिन भी आपको क्या पता मेरी टेक्निक्स के बारे में, मैंने कभी अच्छे तरीके से ही फिशिंग रॉड पकड़ी है। अरे तुम लोग जल्दी जल्दी मछली पकड़ो ना, उसके बाद हम लोग पका के खाएंगे मस्त तरीके से, मजा आ जाएगा, मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे हाँ चुप, मैं तो जल्दी जल्दी मछली पकड़ ही लूंगा, पिंकिन भी का तो पता नहीं मुझे। शिनचैन जो तू बोल रहे ना उसका उल्टा ही होगा। गाइस अगर आप लोग हो कि मैं ही जीतू तो कमेंट करके लिख दो शिनचैन ओपी। अरे तो चलो मैं देखता हूँ कि किसके वाले में ज्यादा है मछली। अरे बाप रे, ये फ्रैंकलिन के पास तो 2-3 मछली है और ये शिनचैन के पास जरा देखे कितनी मछली है, इसके पास तो एक भी नहीं है। अरे मेरे दिमाग में एक मस्त वाला आइडिया आया है, चलो मैं एक काम करता हूँ, ढेर सारी मछली पकड़ के इस शिनचैन के बास्केट में डाल देता हूँ। ये वैसे भी फ्रैंकलिन भी मुझे हमेशा परेशान करता रहता है और वैसे भी अगर ये शिनचैन जीत गया इस चैलेंज में तो मुझे भी ढेर सारी हड्डियाँ मिल जाएंगी। अरे तो मुझे ढेर सारी मछली मिल चुकी है, अभी मैं काम करता हूँ जल्दी से शिनचैन के बास्केट में डाल देता हूँ इंसानी मछलियों को। फाइनली गाइस मैंने ढेर सारी मछलियों को डाल दिया शिनचैन के बास्केट में, अब तो यार शिनचैन ही नहीं जीतेगा। शिनचैन चैलेंज के हिसाब से तो टाइम ओवर हो चुका है, अभी तू मछली पकड़ना बंद कर। अरे पिंकिन भी टाइम लिमिट अपने इतने छोटे क्यों बनाया है। शिनचैन मैंने कोई टाइम लिमिट छोटा मोटा नहीं बनाया, तू ज्यादा बहाने बाना बंद करेगा। अरे पिंकिन भी मैं कोई बहाने बाना नहीं मान रहा हूँ, मैं तो बस आपको छोटा सा चांस दे रहा था। अच्छा बेटा तू मुझे चांस दे रहा था, चल देखते हैं। अरे बाप रे, ये इसके पास इतनी ज्यादा मछली कहाँ से आई और मेरे पास सिर्फ 2-3 मछली है। अरे वाह, इसका मतलब कि मैं जीत गया, मजा ही आ गया, अपने छोटे से 5 साल के बच्चे से हर गई, छी कितनी शर्म की बात है। वो तो शिनचैन मैंने तुझे बस ऐसे ही जीतने दिया क्योंकि तू छोटा सा 5 साल का बच्चा है ना, अगर तू बड़ा होता ना तो मैं तुझे आसानी से हरा देता। अरे जाओ जाओ, ज्यादा बहाने मत मारो, अब तू सीधे सीधे बोलना हर गई हो। अरे हाँ शिनचैन तुमने बिल्कुल सही बोला, ये फ्रैंकलिन तो हार चुका, एक नंबर का लूजर है ये तो। हाँ जब ये फ्रैंकलिन भी तो एक नंबर के लूजर है। तुम लोग मुझे लूजर बोलना बंद करोगे, अब ज्यादा नहीं हो रहा। अब ये कॉल किसका रहा है, ये तो टोनी है। फ्रैंकलिन तुम एक काम करो, एवेंजर्स के मेंशन पे आ जाओ, मुझे तो मैं एक मस्जिद दिखानी है। मस्जिद दिखानी है, कैसी मस्जिद दिखानी है? अरे इसने फिर से फोन काट दिया। अरे फ्रैंकलिन भी क्या हो गया? शिनचैन टोनी था भाई, टोनी बोल रहा था कि वो पता नहीं क्या ही मस्जिद दिखाने वाला, तो चला जा शिनचैन लोग चलते हैं। अरे वह फ्रैंकलिन भी फिर तो काफी मजा ही गई, अब आओ जल्दी बैठो तुम लोग। अरे हम लोग बैठ चुके, अभी जल्दी से गाड़ी को भगाओ ना। फ्रैंकलिन भी जल्दी जल्दी भगाओ, मैं तो काफी ज्यादा वांटेड हो रहा हूँ। शिनचैन मैं कितनी बार बोलूँ वो वांटेड नहीं होता, वो एक्साइटेड होता है। अरे हाँ पिंकिन भी है, वो भी कह सकते हैं, फिलहाल तो आप अपनी ड्राइविंग में ध्यान दो। अरे पिंकिन भी ये देखो ना, एवेंजर्स के घर के बाहर पता नहीं अजीब सा ये क्या बन चुका है। अरे वाह टोनी भैया को तो मैंने पहली बार धूप सेकते हुए देखा है। अरे चौप वो तो धूप नहीं सेक रहा, वो तो यार बाहर खड़ा हम लोगों के लिए ही। अरे तो ऐसी बात है, आ जाओ चलो आयरन मैन से बात करके देखते हैं। और आयरन मैन ये सब क्या चल रहा है? फ्रैंकलिन मैंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसके साधन से तुम कहीं भी कैसे भी जा सकते हो किसी के भी पास्ट और फ्यूचर में, और आसानी से उसकी कहानी देख सकते हो। अरे वह टाइम मशीन, वो भी कहानी के साथ, फिर तो कभी मचाई के। तो जाओ ऊपर की तरफ, आ जाओ शिनचैन, जब हम लोग ऊपर की तरफ चल के देखते हैं भाई टाइम मशीन कैसी है। अरे टोनी लेकिन ये टाइम मशीन नहीं, ये तो कार है ना, ये तो बिल्कुल कार लग रही है। अरे यही तो इसका स्टाइल है, ये बिल्कुल कार लग रही है लेकिन ये बिल्कुल ही टाइम मशीन है। अरे वाह ये तो बिल्कुल फ्यूचर कार लग रही ही है, लेकिन हम लोग इसमें किसकी वाली कहानी देखने वाले हैं? हल तो बोलता है हल की कहानी देखो, तुम लोग चाहता हूँ मेरे भी कहानी देख सकता है। तुम लोग मेरी भी कहानी देख सकते हो, बकवास बंद करो तुम सभी को, सबसे पहले कहानी तुम लोग मेरे ही देखोगे। अच्छा तो चलो हम लोग आयरन मैन की कहानी देखते हैं, लेकिन गाइस उसके लिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अरे तुम लोग बस 5 मिनट रुको ना, मैं पॉटी करके आता हूँ। अच्छा तो मैंने 2-2 सोफा लगा दिया अपने टाइम मशीन के ऊपर, जल्दी से आ जाओ तुम लोग और बैठ जाओ। अरे टोनी भाई हम लोग बैठ चुके हैं, जल्दी से स्टार्ट करो। ब्लैक वीडियो तो जल्दी से स्टार्ट करो। अच्छा तो ठीक है आयरन मैन, मैं अभी करती हूँ। तो अब हम लोग की टाइम मशीन स्टार्ट हो चुकी है, तो तुम लोग कस के पकड़ लो।
यह कहानी है आयरन मैन की, जो कि अपने देश के लिए पावरफुल वेपन्स बनाने का काम करता है ताकि वो अपने देश की रक्षा कर सके। चलो तो मैं बस पहुंच ही गया हूँ। मैं काम करता हूँ, अपने गाड़ी को ना एकदम साइड में पार्क करके रख देता हूँ। एकदम मस्त वाली गाड़ी है मेरी। चलो अभी चलता हूँ, मैं जल्दी से अपने जेरिको मिसाइल को देखता हूँ। अच्छा तो तुमने इस जेरिको मिसाइल का डेमो दिया कि नहीं मिलिट्री वालों को? अरे सर टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने डेमो दे दिया है मिलिट्री वालों को। अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ये मिसाइल बिल्कुल ठीक चलाना? अरे सर आपका तो जवाब ही नहीं, आपकी ये मिसाइल तो काफी ज्यादा लाजवाब है। अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ मैं। हम लोग को जैसा कि बॉस ने ऑर्डर दिया है, हम लोग को उस टोनी को नहीं मारना है। तुम लोग को बिल्कुल सावधानी से वहाँ पर हमला करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। तो अभी करो तुम लोग हमला। इतने ढेर सारे बम कैसे फट गए? लगता है कि यहाँ पर कहीं ना तो आतंकवादी है हमारे पीछे। अरे बाप रे, वो रहे आतंकवादी। ये लो मार खाओ तुम लोग। अरे नहीं, मैं उन लोग को नहीं मार सकता, वो लोग तो काफी ज्यादा हैं। टोनी अपने ही मिसाइल के फटने के कारण काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर वो आतंकवादी आते हैं और टोनी को ले जाते हैं अपने साथ एक अजीब सी और वीरान सी गुफा में। और उसके बाद जब टोनी को होश आता है, ये क्या हो रहा है मुझे, ये मैं कहां पर आ चुका हूँ? अरे बाप रे, ये कौन है? ये तो एक साइंटिस्ट है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे बेटा मेरा नाम इंसेन है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ये तो काफी वीरान जगह लगते है मुझे। अरे बेटा उन आतंकवादियों ने तुम पे हमला किया और वो तुम्हें यहाँ पर ले आए। लेकिन ये मेरे छाते में क्या लगा हुआ है? अरे बेटा वो तुम्हारे छाती में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा है ताकि वो तुम्हारे बम के टुकड़े जो है ना वो तुम्हारे ना हार्ट तक पहुंच ना सके। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पावर देने के लिए मैंने ये बैटरी भी रखी है। अरे ये तो काफी गड़बड़ वाली बात हो गई, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलो देखा जाए कि टोनी जागा है कि नहीं। वो ये तो अच्छी बात है कि टोनी जाग चुका है। तो टोनी तुम ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। अरे तुम मुझसे क्या बोलने वाला हो? तुमने मुझे यहाँ पर किडनैप क्यों करके रखा है? तुम्हें हमारे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो जेरिको मिसाइल बना के दो, उसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगा वो जेरिको मिसाइल। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुम अपने जान की प्यारी है। तो चलो अभी मैं चलता हूँ जल्दी से। ये तो आसानी से मान गया। टोनी को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो उनके लिए जेरिको मिसाइल बनाता है तो भी वो मारा जाएगा। इसीलिए टोनी अपने लिए आर्क रिएक्टर बनाता है और साथ ही में अपने लिए एक सूट भी बनाता है जो कि होता है पुराना सा घटिया सा मेटल का Mark 1। लगता है फाइनली मैंने इतने दिनों बाद जो है वो सूट तैयार कर लिया है। अब वो वक्त आ चुका है कि यहाँ से मैं निकलू। तो चलो मैं काम करता हूँ, जल्दी से सूट को पहन लेता हूँ। वैसे ये सूट थोड़ा भारी है, लेकिन जैसा भी है यहाँ से मुझे फिलहाल निकलने के लिए ये सूट काफी है। अब तो इन आतंकवादियों को मैं छोड़ूंगा नहीं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। ये देखो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, चलो इनको मारता हूँ मैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, मैं मार क्यों नहीं पा रहा हूँ इन लोगों को? अच्छा तो मैं समझ गया, मैं तो गलत बटन दबा रहा था, लेकिन मुझे कंट्रोल जो है वो सीखना पड़ेगा। वैसे फिलहाल यहाँ पर मैंने इन दोनों को तो मार दिया, अभी जल्दी से आगे बढ़ता हूँ। अरे ये क्या, मैं तो साइंटिस्ट को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तूने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं इस साइंटिस्ट को मार दूंगा। अरे बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, यहाँ से निकल जाओ। नहीं इंसान, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अभी इसे खत्म करता हूँ। ये ले मार खा तू। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन बेटा अभी तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, वो आतंकवादी आते ही होंगे। लेकिन आपका क्या होगा? अरे बेटा तुम मेरी चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। अच्छा तो ठीक है, यहाँ से मैं अभी निकलता हूँ। फिर वो आयरन मैन वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया और उसी दिन आयरन मैन ने ठान लिया कि वो कभी भी वेपन्स नहीं बनाएगा मिलिट्री वालों के लिए, क्योंकि आयरन मैन को नहीं पता था कि उसके वेपन्स का इतना गलत इस्तेमाल होगा। और ये बात जब पब्लिक को पता चली प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उसके बाद से आयरन मैन की स्टार्क इंडस्ट्री की कंपनी डूबने लगी कई सालों बाद। अच्छा तो ये मेरा नया वाला सूट बिल्कुल तैयार होने ही वाला है, Mark 85, जो कि काफी दमदार है। और जार्विस ये बताओ कि शहर का क्या हालचाल है? सर सिटी खतरे में, क्योंकि कोई तो है जो कि सिटी को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा तो जार्विस ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, मैं उसे आसानी से हरा दूंगा, मेरे पास ये नया वाला सूट है ना। चलो तो फिर चलता हूँ मैं जल्दी से सूट को पहन के। इतने दिनों से इतनी शांति थी, लेकिन अशांति करने के लिए पता नहीं कौन आ चुका है, मुझे जाके देखना पड़ेगा सिटी में। अच्छा तो लोकेशन तो मुझे यहीं को दिखा रहा है, पता नहीं वो कहाँ पर है। वो जहाँ पर भी है मेरे सामने आ जाएगा ना एक बार, तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। अरे बाप रे, ये कौन है? पीछे तो देख। अरे अब ये कौन सस्ता आयरन मैन आ चुका है? रुको इसे सबक सिखाता हूँ अभी मैं। मुझे सस्ता आयरन मैन बोल रहा है, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? अबे कौन है तू? मैं तेरे कंपनी का मैनेजर हूँ, और वो हूँ जिसने तुझे उस दिन किडनैप किया था जब आयरन मैन उन आतंकवादियों के ठिकाने से निकला था। तो
हॉवर्ड आइंस्टीन मतलब कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का मैनेजर, उन्होंने उस साइंटिस्ट से सारी चीजें पता लगा ली थी आयरन मैन के सूट के बारे में। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये लो मार खाओ के तुम मेरे हाथों से कहां भाग कर जा रहे हो, अभी तुम्हें बताता हूँ। ये लो मार खाओ, लगता है कि गिर गया, लगता है कि ये मर चुका है। चलो नीचे देख के आता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। अच्छा लगता है कि सच में फाइनली मर चुका है। अरे ये कौन मार रहा है मुझे, अरे बाप रे फिर से आ गया, ये तो मर चुका था ना, ये वापस से कहां से आ गया। ये ले, तेरा पीछा मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, तुझे तो मैं मार कराऊंगा। अच्छा तो तुम मुझे मारे, एक सेकंड ये क्या हो रहा है। अरे नहीं ये क्या हो गया, लगता है कि मुझे जल्दी जाके अपने हस्बैंड को बचाना ही होगा, तो चलो मैं जल्दी से चलती हूँ इससे पहले कि वो उसे पूरी तरीके से मार दे। अभी तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे मैं रॉकेट लॉन्चर से मारूंगी। तो ये ले हरामी मर खा। अरे बाप रे, अच्छा अच्छा तो मैं बच गया, चलो थैंक यू तुम्हारा पेपर। आज अगर मैं नहीं होती तो तुम मारे जाते। तो ऐसे ही आयरन मैन की जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन आयरन मैन ने हार नहीं मानी। अच्छा तो ये थी मेरी कहानी, कैसे लगी तुम लोग को मेरी कहानी। अरे वाह कितनी मजेदार कहानी थी। कहानी तो काफी बढ़िया थी। अरे वाह मजा ही आ गया। और गाइस अगर आपको भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेक सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि गाइस ऐसे वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है भाई सच में। और आप में से काफी सारे लोग ऐसे जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।